अजय देवगन के सितारे आजकल बुलंदियों पर हैं। इस साल उनकी ऑलरेडी दो बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, एक मैदान दूसरी शैतान। उसके बावजूद इस साल उनकी तीन फिल्में और आएंगी, जिसमें रेड 2 है, औरों में कहां दम था, इसके अलावा सिंगम 3। ये तीनों फिल्में उनके स्टारडम को जाहिर सी बात है काफी हाई पिच का एंटरटेनमेंट देंगी, लेकिन आने वाला साल भी उनके पास बहुत ही टाइट बिजी शेड्यूल के साथ आएगा। बिकॉज आने वाले साल में वो दो बड़ी फिल्मों पर काम करेंगे, पहले का नाम है सन ऑफ सरदार पार्ट 2 और दूसरी है दे दे प्यार दे पार्ट 2। इन दोनों फिल्मों के बाद अजय देवगन के पास भी फिल्मों का लंबा जखीरा है, जहां पर उनके पास सूर्यवंशी के अगले पार्ट की बात चल रही है, वहीं पर गोलमाल की फ्रेंचाइजी को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा शैतान 2 है, दृश्यम 3 है, बराल एक बहुत बड़ी फिल्म उनके हाथ लगी है जो इन सारे टाइटल से अलग है, और इस बार मेकर भी उनको बहुत तगड़ा और डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर का मिला है। इनका नाम है जगन शक्ति। अगर आप जगन शक्ति को नहीं जानते तो उनकी फिल्म का नाम सुनकर आपको याद आ जाएगा ये कौन है। एक्चुअली 2019 में उनकी एक मूवी आई थी, नाम था मिशन मंगल। अक्षय कुमार विद्या बालन स्टार इस मूवी ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था। ये मूवी जगन शक्ति की डेब्यू मूवी थी। इसके बाद उन्होंने पूजा एंटरटेनमेंट के साथ टाइगर श्रॉफ को लेकर एक ही बहुत ही तगड़ी एक्शन थ्रिलर के लिए कोलैबोरेशन किया था। उस मूवी की शूटिंग करीब 30 दिन चली, बट मूवी बाद में डब्बा बंद हो गई बिकॉज गणपत का जो स्टेज था बहुत ही बेकार निकला। बहरहाल जगन शक्ति ने टाइगर श्रॉफ के साथ सारा मामला छोड़ के अब अजय देवगन को एक नई मूवी के लिए अप्रोच किया है। कहा जा रहा है इसका सब्जेक्ट बहुत ही थ्रिलर हॉरर जोनर का है, जिससे अजय देवगन काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जगन शक्ति काफी नई तरह के सोच वाले डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्मों का जो कॉन्सेप्ट है, मिजाज है, थोड़ा ट्रेडिशनल फिल्मों से अलग होता है, इसलिए उनके साथ मोस्टली डायरेक्टर एक्टर काम करना चाहते हैं। अजय देवगन भी ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनकी हिस्ट्री ऑलरेडी काफी अच्छी हो, जैसे नीरज पांडे के साथ वो दो फिल्में कर रहे हैं, एक औरों में कहां दम था और दूसरी चाणक्या। इसी तरह जगन शक्ति मिशन मंगल के बाद अजय के साथ एक बड़ी मूवी पर काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अजय देवगन ने अगले साल के लिए हामी भर दी है। एक्चुअली सारी बातों की अफवाह तब सच्चाई बदली जब काफी टाइम से अजय के जगन शक्ति के लगातार मुलाकात थी उनके घर पर। जगन शक्ति बार बार उनके घर के बाहर देखे गए और एक ही मीटिंग को लेकर जब बार बार डिस्कशन होता है तब कहीं ना कहीं मूवी फाइनलाइज हो रही होती है। तो अजय देवगन इस बार जगन शक्ति के साथ कौन सा एंटरटेनमेंट की नई जॉनर को क्रिएट करेंगे या फिर थ्रिलर के गेम में किस तरह का माइलस्टोन टच करेंगे, ये तो आने वाले साल में मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना तय है अजय देवगन की झोली अभी भरी पड़ी है फिल्मों से, और लगता नहीं आने वाले साल में कोई दुमाही तिमाही ऐसी जाएगी जहां अजय कोई नई मूवी रिलीज ना हो। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।